गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, गायत्री कॉलेज के यूट्यूब चैनल पर सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। आज के लेक्चर में हम बीएससी सेकेंड ईयर मैथमेटिक्स न्यूमेरिकल एनालिसिस के टॉपिक सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन का फर्स्ट फॉर्मूला प्रूव करने जा रहे हैं, जो कि है गॉस सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब इसके अंतर्गत भी इक्वल इंटरवल के लिए अपन काम करेंगे फर्स्ट बार, और सेकंड इसमें भी आपके पास में न्यूटन फॉरवर्ड और न्यूटन बैकवर्ड की तरह दो फॉर्मूले काम आएंगे, जिसमें पहला है गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला और सेकंड रहेगा गॉस बैकवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला। अब देखिए इसके अंतर्गत अपन ने क्या किया है, कोई भी वेरिएबल u लिया। अब अपन बात करेंगे न्यूटन ग्रेगरी की। पहले न्यूटन, यदि अपन ग्रेगरी की बात करें तो उसके अंतर्गत अपन क्या डिस्कस कर रहे थे, एक आपके पास में कोई x की वैल्यू गिवन थी और उसके कोरस्पोंडिंग कोई फंक्शन दिया हुआ होता था। अपन इक्वल इंटरवल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर देखिए जो फंक्शन था, मान लीजिए कुछ इस प्रकार वैल्यू गिवन है 25, 30, 35 और 40, और आपको कहा गया है कि जो x बराबर 32 पर वैल्यू निकालो, f ऑफ 32 ज्ञात करो। अब मेरी बात सुनो, f ऑफ 32 कहाँ है, 30 और 35 की मिड में, ये न तो इसके करीब है और ना ही इसके करीब है, मतलब दोनों के मिड में है। तब अपन क्या करेंगे, सेंट्रल डिफरेंस फॉर्मूला लगाएंगे। अब बात सुनिए, अपन इसको u के टर्म में ज्ञात करेंगे। u क्या होता था, सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन के अंतर्गत जो u है वो अपन न्यूटन ग्रेगरी के अंतर्गत पढ़ते थे, u बराबर x माइनस x नॉट अपॉन h। ठीक बात। अब मेरी बात सुनिए, यहां पर अपन थोड़ा सा परिवर्तन करेंगे। यहां पर अपन x नॉट है उसको क्या मानेंगे, मूल बिंदु मानेंगे। क्या मानेंगे, मूल बिंदु मानेंगे। अब मेरी बात सुनिए, मूल बिंदु कौन सा होगा, जो सेंटर में लाइज कर रहा है। अब यहां पर देखिए सेंटर में 30 भी है 35 भी है, तो आप किसी को भी मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात, 30 को भी मान सकते हो 35 को भी। मैंने मान लिया लेफ्ट कि जो मूल बिंदु है वो 30 है, तब अपने पास में u की क्या वैल्यू आएगी। देखिए u जो नॉट है, u नॉट क्या आएगा, x x का है 25 माइनस x नॉट 30 अपॉन h डिफरेंस 5 का, तो क्या हो गया -1, और यहां पर आपके पास में u1 30 माइनस 30 अपॉन 5 0, और u2 आपके पास में आएगा 35 माइनस 30 अपॉन 5 बराबर 1। तो ये u की जो वैल्यू -1 0 1 और 2, ये अपन ने u की वैल्यू निकाली। अब वहां पर जो न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला था वो कुछ इस प्रकार चलता था, f ऑफ x बराबर f ऑफ x नॉट प्लस uc1 डेल्टा f ऑफ x नॉट एंड इस प्रकार आपके पास में फॉर्मूला चलता था। अब मेरी बात सुनो, यहां पर अपन x नॉट की जगह u नॉट यूज करेंगे, और वो सेंटर को मान लिया। अपन ने x नॉट किसको माना है, इस 30 को माना है, और इस 30 के कॉरस्पॉन्डिंग u की वैल्यू क्या है, 0 है। ध्यान देना, यही बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अपन यहां पर f ऑफ x नॉट लेते थे, और x नॉट मैंने क्या माना है, 30 माना है, और इस 30 के कॉरस्पॉन्डिंग मैं फॉर्मूला u के पदों में निकाल रहा हूं, तो इस 30 के कॉरस्पॉन्डिंग u का मान क्या है, 0। तो यहां f ऑफ x नॉट की जगह क्या आ जाएगा, f ऑफ 0 f ऑफ 0 f ऑफ 0 और f ऑफ 0। तो ये बात जो मैंने की है वो सिर्फ और सिर्फ न्यूटन ग्रेगरी फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फॉर्मूला को इस तरह लिखने के कारण की है। ये आपको समझ में आ गया, ये इस टेबल से आया है। ठीक बात। और अपन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो और अपन को समझ में आ जाएगा। अब अपन इसका प्रूफ देखेंगे यहाँ पर कि ये कैसे प्रूफ होता है फॉर्मूला। तो देखिए इसकी सहायता से अपन
सबसे पहले अपन देखिए, यदि मैं कोई जनरल टर्म लेता हूं डेल्टा क्यू एफ ऑफ माइनस वन, इसको मैं क्या लिख सकता हूं, डेल्टा स्क्वायर इनटू डेल्टा एफ ऑफ माइनस वन लिख सकता हूं। अब देखिए, या फिर इसको ऐसे ले सकता हूं, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस एफ ऑफ माइनस वन टी बार, और इसको ले सकता हूं डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ जीरो माइनस डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन टी बार। ये किसकी वैल्यू है, डेल्टा क्यू एफ ऑफ जीरो की है, ठीक बात। अब देखिए, मैं यदि डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ जीरो की वैल्यू निकालता हूं तो क्या वैल्यू आएगी, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन प्लस डेल्टा क्यू एफ ऑफ माइनस वन। ये वैल्यू अपने लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। मैं एक ही वैल्यू निकालूंगा, जो ये फॉर्मूला आएगा ये दो दो के टर्म में आएगा, कैसे, या एफ ऑफ जीरो के दो टर्म लेंगे, फिर माइनस वन के दो टर्म लेंगे, और फिर माइनस टू के दो टर्म लेंगे। क्यों लेंगे, क्योंकि अभी मैंने टेबल में बताया था u का मान माइनस वन जीरो वन और टू आ रहा था, ठीक बात। अब देखिए, डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ जीरो क्या है, डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन प्लस, मतलब इसकी पावर टू है तो यहाँ पर भी पावर टू है, और इसमें पावर एक बढ़ गई, और यहाँ जीरो है तो यहाँ माइनस वन है, तो मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको ऐसे लिख सकता हूँ, डेल्टा क्यू एफ ऑफ जीरो बराबर डेल्टा क्यू एफ ऑफ माइनस वन प्लस डेल्टा फोर एफ ऑफ माइनस वन। तो जहां पर भी आपके पास में डेल स्क्वायर एफ ऑफ जीरो, डेल्टा क्यू एफ ऑफ जीरो और डेल्टा की पावर आर एफ ऑफ जीरो है, उसकी जगह अपन ये टर्म यूज करेंगे। तो देखिए फॉर्मूला क्या आ जाएगा, इसको मैं समीकरण पहले वन मान लेता हूं, तो ये एफ ऑफ यू है वो कुछ इस प्रकार आ गया, एफ ऑफ जीरो प्लस यू सी वन डेल्टा एफ ऑफ जीरो, अपन दो टर्म एज इट इज रखेंगे पहले। अब मैं इसकी जगह ये पुट करता हूं, यू सी टू क्या वैल्यू आएगी, डेल स्क्वायर एफ ऑफ जीरो, और एक बार और सुनना, ये दो टर्म मैं इस तरह क्यों रख रहा हूं, इसको अपन जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तभी समझ में आएगा, और इसका मैं कारण बताऊंगा। अब देखिए, डेल स्क्वायर एफ ऑफ जीरो है, इसकी वैल्यू आपके पास में ये आ गई, तो इसकी जगह लिखता हूं डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन प्लस डेल्टा क्यू एफ ऑफ माइनस वन प्लस यहां पर यू सी थ्री, देखिए क्या वैल्यू आ जाएगी, डेल्टा क्यू एफ ऑफ जीरो, तो ये हो गया डेल्टा क्यू एफ ऑफ माइनस वन प्लस डेल्टा फोर एफ ऑफ माइनस वन प्लस एंड सो ऑन। यदि मैं बात करता हूं यू सी आर की, तो वो क्या आ जाएगा, डेल्टा की पावर आर एफ ऑफ माइनस वन प्लस डेल्टा की पावर आर प्लस वन एफ ऑफ माइनस वन एंड सो ऑन, ठीक बात। अब अपन अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, यू सी टी का टर्म यू सी टी के साथ लेते हैं, यू सी थ्री का टर्म अलग कर लेते हैं, और यू सी फोर का टर्म अलग कर लेते हैं। अब बात सुनिए, एफ ऑफ यू बराबर एफ ऑफ जीरो प्लस यू सी वन डेल्टा एफ ऑफ जीरो प्लस, देखिए यहां पर आएगा यू सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन, और ये हो गया यू सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन, और नेक्स्ट अपन बात करेंगे, देखिए यू सी टू डेल क्यू एफ ऑफ माइनस वन और डेल क्यू एफ ऑफ माइनस वन, इसके देखिए दो टर्म आ गए। तो अब मैं इसको यहां लिखूंगा यू सी टू प्लस यू सी थ्री, ये हो गया डेल्टा क्यू एफ ऑफ माइनस वन, ठीक बात। फिर यू सी थ्री का एक टर्म आपके पास लिखा है डेल्टा की पावर फोर एफ ऑफ माइनस वन, और नेक्स्ट टर्म में भी ये डेल्टा की पावर फोर आएगा। तो देखिए ये क्या लिख दिया मैंने, यू सी थ्री प्लस यू सी फोर इंटू डेल्टा की पावर फोर एफ ऑफ माइनस वन एंड सो ऑन। अब मेरी बात सुनिए, जब डेल्टा क्यूब है तब टू और थ्री आ रहा है, यदि मैं डेल्टा की पावर आर लेता हूं तो यहां पर क्या आएगा, यू सी आर माइनस वन प्लस यू सी आर और डेल्टा की पावर आर एफ ऑफ माइनस वन एंड सो ऑन, आप टर्म लिख सकते हो, ठीक बात। अब देखिए अपन को पता है कि यू सी टू प्लस यू सी थ्री क्या होता है, इसको मैं यहां लिख लेता हूं एफ ऑफ जीरो प्लस यू सी वन डेल्टा एफ ऑफ जीरो प्लस यू सी टू डेल्टा
स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन प्लस ये टर्म आएगा यू प्लस वन सी थ्री डेल्टा क्यू एफ ऑफ माइनस वन प्लस ये आ जाएगा यू प्लस वन सी फोर डेल्टा की पावर फोर एफ ऑफ माइनस वन एंड सो ऑन। ये आएगा यू प्लस वन सी आर और ये आएगा डेल्टा की पावर आर एफ ऑफ माइनस वन। ठीक बात, हमेशा देखिए यू हमेशा यू प्लस वन होता है और इसका ये आप डेरिवेशन देखना चाहो तो देखिए क्या है यू सी टू प्लस यू सी थ्री। बात सुनिए, ये आएगा फैक्टोरियल यू अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू यू माइनस टू फैक्टोरियल प्लस फैक्टोरियल यू अपॉन फैक्टोरियल थ्री इंटू फैक्टोरियल यू माइनस थ्री। ठीक बात, मैं इसको यहां ये लिख सकता हूं, देखिए फैक्टोरियल यू को मैं क्या लिख सकता हूं यू इंटू यू माइनस वन अपॉन फैक्टोरियल टू प्लस यहां पर आपके पास लिखता हूं यू इंटू यू माइनस वन इंटू यू माइनस टू। यहां पर साहो तो आप एलसीएम भी ले सकते हो अपॉन थ्री फैक्टोरियल यू माइनस थ्री फैक्टोरियल से कैंसल आउट हो जाएगा। ठीक बात, अब अपन एलसीएम लेके करेंगे तो आपके पास में क्या टर्म आ रहा है देखिए यहां पर आपके पास में थ्री फैक्टोरियल मतलब सिक्स आ रहा है तो ये वैल्यू आपके पास में आ जाएगी सिक्स इंटू यू और यू माइनस वन प्लस इधर आपके पास में जाएगा तो टू यू इंटू यू माइनस वन और यू माइनस टू अपॉन ये आपके पास आ जाएगा टू फैक्टोरियल इंटू आपके पास में थ्री फैक्टोरियल। तो इसको देखिए आप ओपन करोगे तो ये आपके पास में जो टर्म आएगा वो ऊपर तो आ जाएगा यू प्लस वन फैक्टोरियल और नीचे आपके पास में आएगा थ्री फैक्टोरियल। ठीक बात, टू से टू कैंसिल आउट क्योंकि इसमें से टू कॉमन आ रहा है इसमें से टू कॉमन आ रहा है तो देखिए यहां से मैंने काट दिया इसको तीन बार। अब जब इसका आप मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास में ऊपर बचेगा यू प्लस वन फैक्टोरियल। ठीक है, तो ये आप ऐसे कर सकते हो। अब बात सुनिए, अब अपन इसको नेक्स्ट बढ़ाते हैं आगे। मैंने क्या कहा था कि अपन को दो दो के टर्म रखने f ऑफ जीरो के दो टर्म हो गए फिर f ऑफ माइनस वन के भी दो टर्म रखने। अब मैं इसको आगे इस प्रकार लिख सकता हूं f ऑफ u बराबर f ऑफ जीरो प्लस यू सी वन डेल्टा f ऑफ जीरो प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर f ऑफ माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी थ्री डेल्टा क्यू f ऑफ माइनस वन प्लस। अब देखिए f ऑफ माइनस वन का एक टर्म और दो टर्म आगे अगला टर्म मैं किसमें कन्वर्ट करूंगा माइनस टू में कन्वर्ट करूंगा। तो देखिए अब माइनस टू में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा यहां पर कौन सा टर्म है u प्लस वन सी फोर इसकी जगह मुझे रखना पड़ेगा देखिए डेल्टा की पावर फोर f ऑफ माइनस वन। अब मेरी बात सुनिए जब यह f ऑफ जीरो था तब एक कम हो रहा है तो यहां पर यदि आपके पास में f ऑफ माइनस वन है डेल्टा की पावर फोर तो इसको मैं यहां लिख देता हूं देखिए डेल्टा की पावर फोर f ऑफ माइनस वन होगा वो डेल्टा की पावर फोर f ऑफ माइनस टू प्लस डेल्टा की पावर फाइव f ऑफ माइनस टू क्योंकि एक पावर भी थ्री है यहां पर भी थ्री और आगे फोर हो रहा है यहां फोर है यहां पर फोर और यहां फाइव और माइनस वन है एक कम का गया नहीं है माइनस टू और माइनस टू तो यहां पर आ जाएगा देखिए डेल्टा की पावर फोर एफ ऑफ माइनस टू प्लस डेल्टा की पावर फाइव एफ ऑफ माइनस टू। ठीक बात, और इस प्रकार आपके पास में आगे ये चलता रहेगा। ठीक बात, अब मेरी बात सुनिए यदि अपन यहां रखते हैं तो देखिए क्या टर्म आएगा यू प्लस वन सी आर और डेल्टा की पावर आर एफ ऑफ माइनस टू प्लस डेल्टा की पावर आर प्लस वन एफ ऑफ माइनस टू। ठीक है, एंड सो और ये टर्म चलता रहेगा। अब मैं इसको आगे इस प्रकार लिख सकता हूं एफ ऑफ यू बराबर एफ ऑफ जीरो प्लस यू सी वन डेल्टा एफ ऑफ जीरो प्लस यू सी टू डेल स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन। ठीक बात, प्लस यू प्लस वन सी थ्री क्या आएगा डेल्टा क्यू एफ ऑफ माइनस वन। अब मेरी बात सुनिए यू प्लस वन सी फोर का एक टर्म आ गया यू प्लस वन सी फोर डेल्टा की पावर फोर एफ ऑफ माइनस टू। अब मेरी बात सुनिए यहां पर देखिए
नेक्स्ट टर्म में भी आएगा। तो देखिए अपन यहां लिख सकते हैं डेल्टा की पावर 5 एफ ऑफ माइनस 2, उसके cos टर्म में क्या आएगा, a को आएगा u प्लस 1 सी 4 प्लस a का आएगा u प्लस 1 सी 5। ये इस प्रकार टर्म चलते रहेंगे। तो देखिए अपन इसको थोड़ा यहां क्लियर कर लेते हैं। अब मेरी बात सुनो, आप चाहो तो यही वैल्यू आपके पास में r वाले फॉर्मूले में भी पुट कर सकते हो, जनरल लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब मेरी बात सुनिए, f ऑफ u बराबर क्या आएगा, f ऑफ 0 प्लस u c 1 डेल्टा f ऑफ 0 प्लस u c 2 डेल्टा स्क्वायर f ऑफ माइनस 1 प्लस u प्लस 1 c 3 डेल्टा q f ऑफ माइनस 1। अब बात सुनिए, आगे आ रहा है आपके पास में u प्लस 1 c 4, यह आएगा u प्लस 1 c 4 डेल्टा की पावर 4 f ऑफ माइनस 2। अब देखिए जिस प्रकार u c 2 प्लस u c 3 क्या आया था, u प्लस 1 c 3, तो इसी प्रकार u प्लस 1 c 4 प्लस u प्लस 1 c 5 है, ये दोनों जुड़कर आपके पास में टर्म देगा u प्लस 2 c और हाईएस्ट क्या है 5। तो यहां पर देखिए भाई हमेशा ध्यान रखना, जो भी ऊपर टर्म है और जब कंटिन्यूस होता है या सी फोर और या सी फाइव और इसका ये दोनों टर्म कॉमन होता है अर्थात दोनों इक्वल होता है, इनमें एक जोड़ दो और इसका हाईएस्ट टर्म लिखो, तो ये आ गया। तो इसके साथ में आएगा डेल्टा की पावर 5 एफ ऑफ माइनस 2 प्लस यहाँ आएगा यू प्लस 2 सी 6 और डेल्टा की पावर 6 एफ ऑफ माइनस 2। अब मेरी बात सुनिए, ये जस्ट इसका नेक्स्ट टर्म आएगा, क्योंकि मैंने कहा था आपको f ऑफ माइनस 1 के भी दो टर्म ले रहे हैं, f ऑफ माइनस 2 के भी दो टर्म, तो माइनस 2 का एक ये आ गया, ये माइनस 2 का आ गया, तो यहां पर किसका आएगा, माइनस 3 का। तो देखिए सबके अपन दो दो टर्म लेंगे, तो ये हो गया f ऑफ माइनस 3। ठीक बात, इसी प्रकार अपन यदि नेक्स्ट आगे लिखते हैं तो क्या टर्म आएगा, u प्लस 3 c 7 डेल्टा की पावर 7 एफ ऑफ माइनस 3 प्लस यू प्लस देखिए आपके पास में 3 सी 8 डेल्टा की पावर 8 एफ ऑफ माइनस 4। ठीक बात, एंड सो ऑन, ये नेक्स्ट सर के आपके पास में। अब मेरी बात सुनिए, ये अपन जनरल टर्म लिखते हैं आर वा टर्म, तो देखिए यहाँ 3 है तो 3 का दुगुने में से एक कम हो रहा है अर्थात दुगुना कितना होता है 6, 6 में 1 ऐड हो रहा है 7, यहां पर जस्ट दुगुना है। तो एक ही आपके पास में इसका यदि अपन जनरल टर्म लिखने जाएं तो क्या आएगा, यहां पर मैं लिख लेता हूं f ऑफ माइनस r प्लस 1 ठीक बात डेल्टा की पावर 2r और c की पावर 2r इनटू u आपके पास में हो जाएगा, देखिए क्या आपके पास में वैल्यू आ जाएगी, u प्लस r माइनस 1 प्लस u प्लस r माइनस 1 c 2 r डेल्टा की पावर आपके पास में हो जाएगा, यहां देखिए आपके पास में 2 r है और यहां आपके पास में हो जाएगा 2 r f ऑफ माइनस r एंड सो ऑन। और यहां पर ध्यान रखिए ये जब 4 था तब दुगुना हुआ था r का दुगुना, और यहां 3 है तो इसका दुगुना प्लस आपके पास में 1 हो रहा है, और यहां पर यदि अपन बात करें तो ये दुगुना प्लस 1 हो रहा है अर्थात यहां पर आपके पास में माइनस आर है, माइनस आर का दुगुना कितना होता है 2r, लेकिन उसमें से एक घटा देंगे तो यहां पर जो वैल्यू आएगी वो 2r माइनस 1 आएगी। ठीक बात, तो ये आपके पास में वैल्यू है क्योंकि ये r माइनस 1 है, ध्यान दीजिए r माइनस 1 है, इसका मैं यदि दुगुना करता हूं तो क्या आएगा 2r माइनस 2। ठीक बात, और उसमें एक जोड़ देते हैं ये बन जोड़ दिया तो क्या हो गया 2r माइनस 1। ये मैंने कैसे लिखा है, ये दोनों इन टर्म दोनों को देख लो, इन दोनों को देख लो, इन दोनों को देख लो, ठीक है, तो यहां ये 4 है तो 4 का दुगुना 8, यदि r है तो r का दुगुना 2r, यहां 8 है तो यहां पर भी 8, तो यहां 2r है तो यहां पर भी 2r। ठीक है, अब यहां पर जो आपके पास में टर्म आएगा वो 4 है तो 4 से 1 कम 3, तो यहां r है तो r से 1 कम r माइनस 1,
सेवन अर्थात आपके पास में यहाँ यदि टू आर है तो यहाँ पर भी क्या आएगा टू आर माइनस वन, तो डेल्टा की पावर टू आर माइनस वन एफ ऑफ माइनस आर प्लस वन, ये है आपके पास में इसका जनरल टर्म। अब देखिए इसको अपन कॉम्बिनेशन के रूप में लिखें तो ये भी आपके पास में देखिए फाइनल इक्वेशन है, यहाँ पर आपके पास में इसको अपन सेपरेट करके एफ ऑफ यू बराबर एफ ऑफ जीरो। अब मेरी बात सुनो, ये भी यू का टर्म है, ये भी यू का टर्म है, तो मैं इसको लिख सकता हूं यू सी वन डेल्टा एफ ऑफ जीरो प्लस यू सी टू डेल्टा स्क्वायर एफ ऑफ माइनस वन, इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर लिख दिया क्योंकि दोनों यू के टर्म है। फिर अपन लिखते हैं यू प्लस वन का, ये भी यू प्लस वन का, ठीक बात, तो ये हो गया यू प्लस वन सी थ्री डेल्टा क्यू एफ ऑफ माइनस वन प्लस यू प्लस वन सी फोर डेल्टा की पावर फोर एफ ऑफ माइनस टू, ठीक बात। और इसी प्रकार आगे लिखेंगे तो आपके पास में आ जाएगा यू प्लस टू सी फाइव डेल्टा की पावर फाइव एफ ऑफ माइनस टू एंड यू प्लस टू सी सिक्स डेल्टा की पावर सिक्स एफ ऑफ माइनस थ्री एंड सो ऑन, ये आपके पास में चलता जाएगा और आर वा टर्म आपके पास में वापस यही आएगा, ठीक बात। तो ये है आपके पास में, इसको अपन इक्वेशन नंबर टू देते हैं जो कि गॉस फॉरवर्ड सेंट्रल डिफरेंस इंटरपोलेशन फॉर्मूला और इक्वल इंटरवेल के लिए काम करेगा, ठीक बात। तो ये है आपके पास में इसकी वैल्यू। एक बात और बता देता हूं, इस फॉर्मूले को अपन इसकी वैल्यू रखकर अपन ज्ञात करेंगे, जब न्यूमेरिकल क्वेश्चन करेंगे तो इनकी वैल्यू रखेंगे, ठीक बात। अब वैल्यू कैसे रखते हैं वो अपन जब क्वेश्चन करेंगे तब बात करेंगे।